एक चलता फिरता घर, क्योंकि इसमें आप बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, टहल सकते हैं। इसीलिए लोगों के यातायात का सबसे पसंदीदा साधनों में से एक है भारतीय रेल। दोस्तों भारत में पहली ट्रेन सन 1853 में चली थी, लेकिन उस टाइम ट्रेन में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। जब भी लोगों को टॉयलेट लगती थी उन्हें रेलवे स्टेशन के आने का इंतजार करना पड़ता था, और वह स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकती थी लोग पटरी के किनारे जाते थे और शौच करते थे। दोस्तों भारत में ट्रेन के शुरू होने के 56 साल तक यही व्यवस्था चलती रही। ट्रेन से उतरकर पटरी के किनारे जाने में और टॉयलेट करने में कई लोगों की ट्रेन छूट जाती थी, और इससे कई लोग हादसे के शिकार भी हो गए। दोस्तों 56 साल तक टॉयलेट को लेकर किसी ने भी रेलवे से कुछ नहीं बोला, लेकिन सन 1909 ईस्वी में अखिल चंद्र सेन नाम के एक यात्री, जिन्हें की अपने सफर के दौरान पेट खराब होने पर पश्चिम बंगाल के अहमदपुर रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ा। दोस्तों वह पानी लेकर जैसे ही पटरी के किनारे झाड़ियों में गए, इतने में ट्रेन सीटी दी और चलना शुरू कर दी। अखिल चंद्र सेन ट्रेन को जाता देख अपना लोटा और धोती पकड़कर भागने लगे। वह स्टेशन पर भागने के क्रम में गिर गए, उनकी धोती खुल गई और उनकी ट्रेन भी छूट गई। दोस्तों इस घटना से वह बहुत निराश हुए और उन्होंने ट्रेन के गार्ड की शिकायत लेटर लिखकर रेलवे के साहिबगंज मंडल को दी, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा पेट खराब होने के कारण मैं अहमदपुर रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उतरकर झाड़ियों में गया, इतने में ट्रेन सीटी देकर चलना शुरू कर दी। जैसे ही ट्रेन चली मैं अपना धोती और लोटा पकड़कर भाग रहा था, इसमें मेरी धोती खुल गई, जिससे कि यात्री और स्टेशन पर जो भी लोग थे मुझे देख लिए। इससे मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि गार्ड जब ये चीजें देख रहे थे तो वह ट्रेन को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं रुका, इसलिए इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, नहीं तो मैं इसकी शिकायत अखबार को दे दूंगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अखिल चंद्र सेन के इसी लेटर के द्वारा रेल अधिकारी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने डिसीजन लिया कि अब से जो है सभी ट्रेन में यात्रियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी, और सन 1909 ईस्वी से सभी ट्रेन के जो कोच हैं उसमें यात्रियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था कर दी गई। दोस्तों वह लेटर आज भी म्यूजियम में रखा गया है। तो यहाँ पर ये जो है यात्रियों के लिए तो ट्रेन में टॉयलेट की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन जब से ट्रेन चली है तब से लेकर आज तक ट्रेन को चलाने वाले लोको पायलट के लिए ट्रेन में टॉयलेट की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि वह ट्रेन को चलाते हैं और चलाने के क्रम में उन्हें अगर टॉयलेट वगैरह आती भी होगी तो वो जो है या तो उतर कर जैसे पहले यात्री लोग जाते थे वही क्रिया इनको भी करनी पड़ती है। दोस्तों इस तरीके से 2016 में रेलवे के द्वारा कुछ लोकोमोटिव बनाए गए जिसमें टॉयलेट की व्यवस्था दी गई, लेकिन पैसेंजर लोकोमोटिव लगभग जितने हैं उसमें इस तरीके की कोई भी चीजें नहीं है। तो दोस्तों फाइनली कानपुर लोको सेट के द्वारा लोको पायलट की इस समस्या को देखते हुए जो है इंतजार की घड़ी खत्म कर दी गई, क्योंकि कानपुर लोको सेट के द्वारा कल जो है WAP-7 लोकोमोटिव एक नए लिवरी में यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था को लिए हुए रोल आउट किया गया। दोस्तों आप इस इमेज में देख सकते हैं ये WAP-7 लोकोमोटिव है जिसमें लोको पायलट के लिए बकायदे यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था दी गई है, जिससे अब लोको पायलट को यात्रा के दौरान जो भी उनकी ड्यूटी होती है उन्हें इस तरीके से कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो है कल रोल आउट हुआ है, ये पहला लोकोमोटिव है, और इस लोको सेट के द्वारा ऐसा बताया गया कि अब लगभग सभी जो है पैसेंजर लोकोमोटिव में इस तरीके से लोको पायलट के लिए टॉयलेट की व्यवस्था दी जाएगी, जिससे वह बड़े आराम से अपनी ड्यूटी को निभा सकते हैं और इतने साल का जो लंबे इंतजार की घड़ी है वह भी अब खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों रेलवे के द्वारा जो है लोको पायलट के लिए गए इस इनिशिएटिव को लेकर आपकी क्या राय, अपना ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा, और जो है धीरे धीरे करके अब सभी लोकोमोटिव में लोको पायलट के लिए टॉयलेट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।